Muslim leaders raise huge objection to Modi's controversial comments, say he should take into consideration the sentiments of all communities if he's dreaming of becoming the Prime Minister. Let's listen into what Imam Barkati of the Tipu Sultan Mosque had to say just a short while ago. नरेंद्र मोदी जी जो बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं उन्होंने कहा है कि जो स्कल कैप है जो टोपी पहनना वो किसी के खुश करने के लिए या किसी से फोटो खिंचवाने के लिए वो ऐसा अपीस करने के लिए नहीं पहनेंगे। इसमें आपकी क्या राय होगी सर? तो वो क्या करने के लिए टोपी पहनेंगे? किसी को कत्ल करने के लिए, मारने के लिए? टोपी पहनने के माने किसी को खुश करना नहीं है। वो गए कोई गंगा में स्नान कर रहा है, कोई बनारस में वो जा रहे हैं सारे स्नान कर रहे हैं, तो मुसलमानों की मस्जिदों में नहीं जा सकते? तो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे ना, तो उनको तो सबको खुश करना चाहिए। मगर उनकी बोली बहुत टेढ़ी है और मुसलमानों में वो पसंद नहीं किए जा रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि उनकी वजह से मुल्क तकसीम हो रहा। पहले तो ऐसा था कि गुजरात में कत्ल हुआ, अब मुल्क का कत्ल हो रहा है। ये बात समझाई जा रही है लेकिन समझ में नहीं आ रही है। Also, a reaction coming in from the Vice President of the Jamiat-e-Ulema, Mufti Hafiz Saeed Mehrauddin. मगर टोपी पहन के टोपी डाल नहीं सकते अखिलियत पे, ये तो धोखा है। और ये पूरे इंडिया में ये मीडिया ये बात बता चुका है, प्रिंट मीडिया में भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, कि मोदी खुद अपने जलसों में कई हज़ार बुरखों का ऑर्डर दिए जब वो यूपी के दौरे पे थे, तो नॉन मुस्लिम औरतों को बुरखा पहना के लाए और नॉन मुस्लिम जेंट्स को टोपी पहना के लाए। तो वो खुद भी ये चाह रहे हैं कि भाई ये पहनने से हमारे पास वोट आएगा, तो ये उनकी अपनी सेल्फ थिंकिंग है और उसको जो है दूसरे पार्टियों पे वो लगाना चाह रहे हैं, बट एक्चुअल हकीकत में ये कुछ होने वाला नहीं है।